Awesome. ओपी, आय हाय 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 गजब, युवराज इज ओपी यार। फोर फिनिशेस, पूरा पूरे टीम को इन्होंने वाइप आउट किया है। सो हो गाइस, देखो आज की वीडियो में मैं तुम्हें टॉप 5 ऐसी टिप्स एंड ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि कॉम्पिटेटिव प्लेयर को काफी ज्यादा हेल्प करेगी। एंड अभी के टाइम पे तुम्हें पता है बीजीआई टूर्नामेंट भी काफी ज्यादा क्लोज आ चुका है, तो काफी ज्यादा लोग वो टूर्नामेंट भी खेल रहे हैं, तो उनके लिए भी वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी क्योंकि वीडियो में मैं कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक देने वाला हूँ ना जिससे तुम काफी ज्यादा इजिली काफी ज्यादा फ्रेक्स अपने टीम के लिए निकाल सकते हो एंड अपनी टीम के लिए काफी ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दे सकते हो। तो यार गाइस वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, तो वीडियो को पूरा देखना। बाकी यार गाइस देखो वीडियो को करते स्टार्ट। सो गाइस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे एक गलती की जो कि काफी ज्यादा कॉम्पिटेटिव प्लेयर करते हैं। गाइस जब भी तुम्हारी 1v1 फाइट होती है या फिर तुम्हारे टीम के साथ 4v4 फाइट होती है ना, तो वहां पे तुम्हें एक चीज का जरूर से ध्यान रखना है, आपको फाइट के टाइम पे ना एनिमी का नेक्स्ट मूव क्या रहने वाला है वो प्रेडिक्ट करना है। अभी गाइस एक एग्जांपल देखो मैंने किस तरीके से एनिमी का नेक्स्ट मूव प्रेडिक्ट किया और काफी ज्यादा इजीली उनको क्लैश कर दिया। सो गाइस ये फाइट एक टूर्नामेंट की है, यहाँ पे गाइस हम पे एक टीम पुश कर रही थी और मुझे पता था कि यहाँ पे नेट्स आएंगे एनिमी के और मैं पीछे आता हूँ, तभी गाइस देखो एनिमी का नेट आता है और मेरे टीममेट को वो इजिली मार देता है। तो यहाँ पे अगर मैं ये चीज प्रेडिक्ट नहीं करता ना तो भाई यहाँ पे मैं बच नहीं पाता। अभी गाइस ये टीम हमसे काफी ज्यादा क्लोज थी और इनको एक नेट से नॉक भी मिल गया था, तो मुझे पता था यहाँ पे ये टीम अंधा पुश करने वाली है एंड इसी चीज का मैं फायदा उठाता हूँ, यहाँ पे एक नॉक देता हूँ एंड दूसरे बंदों को भी सेम चीज करके नॉक दे देता हूँ। एंड गाइज अब इस टीम के 3 बंदे नॉक हो चुके थे, तो मुझे पता था जो लास्ट बंदा है ना वो काफी ज्यादा पैनिक हो रहा होगा एंड इसी चीज का मैं फायदा उठाने निकल जाता हूँ और मेरी 1v1 फाइट काफी ज्यादा अच्छी है तो मैं इजिली उससे जाके फाइट लेता हूँ। एंड जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट किया था बंदा पैनिक होगा, तो भाई वो बंदा पैनिक भी रहता है, खुले में आ जाता है अपना टीपीपी छोड़ के और मेरे से इजिली 1v1 में हार जाता है। तो गाइज इस चीज का आपको जरूर से यूज करना है, हर अच्छी अंडरडॉग टीम इस चीज का यूज करती है और काफी ज्यादा इजिली ना टीम्स को वाइप आउट कर देती, तो गाइस आपको इस चीज का जरूर से यूज करना है। सो गाइस अभी हम बात करेंगे फ्लैंक का किस तरीके से तुम्हें यूज करना है। काफी ज्यादा टीम काफी ज्यादा बड़ी गलती करते हैं एंड गाइस फ्लैंक का गलत यूज करते हैं एंड उनका जो भी बंदा फ्लैंक करने जाता है ना वो फ्लैंक करने तो जाता है बट दोबारा से आ नहीं पाता है, वहीं पे सीधा उसकी पेटी बन जाती है। तो ऐसे में तुम क्या गलती करते हो वो बताता हूँ एंड किस तरीके से तुम्हें फ्लैंक का यूज करना है वो भी बताता हूँ। तो गाइस सबसे पहले मैं तुम्हें एक चीज क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे तुम्हारी टीम में ना सारे बंदे फ्लैंक कर सकते हैं। काफी ज्यादा टीम क्या करती है ना भाई, एक बंदे को फ्लैंक का रोल दे देती है एंड वो बंदा हमेशा फ्लैंक करता है और काफी ज्यादा टाइम मर जाता है। तो गाइस ऐसे में तुम्हें क्या करना है, सारे बंदे तुम्हारे फ्लैंक कर सकते हैं बट फ्लैंक हमेशा उसी बंदे को करना है जो कि भाई सामने वाली टीम को स्पॉट नहीं हुआ हो। जैसे कि एक एग्जांपल देखो गाइस, इस क्लिप में जो है हमारी स्टार्टिंग में फाइट हो जाती है और यहाँ पे मेरा एक टीममेट मर भी जाता है एंड मेरे टीममेट भी सामने वाली टीम का एक दो प्लेयर मार चुके होते हैं एंड ऐसे में जो है इस टीम को मैं स्पॉटेड नहीं था, तो यहाँ पे मैं फ्लैंक करने लगता हूँ एंड साथ ही साथ में मेरे टीममेट जो कि राइट में थे उनको कॉल दे देता हूँ कि सामने वाले बंदों को ना उधर से फायर देते रहो ताकि उनका ध्यान जो है मेरे पे ना जाए, बट बंदा तो भाई भागने लगता है और मैं उसको इजिली मार देता हूँ। बट गाइस यहाँ पे बंदे ज्यादा भी होते हैं ना, लाइक 2-3 बंदे भी होते ना तो मैं यहाँ पे काफी ज्यादा क्लोज उनके आ जाता एंड इजिली एक दो बंदे नोक करके ना टीपीपी लेने लगता और मेरे टीममेट स्लैम कर देते और ये टीम को मैं इजिली वाइप आउट कर देता। तो गाइस कुछ इस तरीके से तुम फ्लैंक का यूज कर सकते हो, अगर गाइस तुम्हारा बंदा कोई स्पॉटेड नहीं है ना तो भाई वो अनएक्सपेक्टेड बंदों को मार देगा एंड देन फिर तुम इजिली बंदों पे पुश करके मार सकते हो, तो गाइस इस चीज का भी आपको जरूर से यूज करना है। गाइस ट्रिक नंबर 3 में मैं स्टार्टिंग में जो तुम्हें क्लच दिखाया ना वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ एंड तुम्हें वो क्लच काफी ज्यादा नॉर्मल लगा होगा बट उसमें मैंने काफी ज्यादा छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान दिया है एंड जब जाके वो क्लच परफॉर्म हुआ है, तो ऐसे में वो क्या छोटी चीजें थी वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ एंड उन चीजों का आपको भी ध्यान रखना है। अभी गाइस ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आप इन चीजों का ध्यान रखोगे तो हर बार क्लच परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि गाइस मुझे भी पता है कॉम्पिटेटिव में सारे बंदे जो आते हैं ना वो भाई हर बंदे ना 1v4 करने का दम रखते हैं एंड ऐसे में उन बंदों को 1v4 करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, बट कुछ छोटी चीजें हैं जिनको अगर ध्यान में रखोगे ना तो भाई अगर आप 10 बार 1v4 सिचुएशन में पड़ोगे ना तो 3 बार 1v4 कर दोगे इजिली। सो गाइस सामने वाले बंदे ना मेरे टीममेट को नोक दे देते हैं एंड अभी मैं समझ चुका था कि मेरे पे पुश होने वाला है एंड ऐसे में मैं क्या करता हूँ ना भाई, मेरी पोजीशन ले लेता हूँ एंड सामने वाले दो बंदे तो आ जाते हैं इस तरफ बट मुझे पता था तीनों बंदे मेरे पे पुश करने वाले हैं एंड अभी जैसे लास्ट बंदा आता है ना उस पर मैं स्प्रे लेता हूँ।
अभी गाइस स्टार्टिंग के बंदे पे मैं अगर स्प्रे लेता ना तो लास्ट में ये जो बंदा था ना वो मुझे मार देता इजिली, बट वो दो जो बंदे रहते हैं ना भाई वो पहले ही रोड क्रॉस कर लेते हैं एंड इस लास्ट बंदे को कोई कवर देने वाला नहीं था तो मैं इसको इजिली नॉक फिनिश कर देता हूँ। एंड फिर मैं फुट सुन के इजिली बंदे को प्री फायर देता हूँ और इजिली बंदा नॉक, दूसरे बंदे को भी प्री फायर देता हूँ शॉर्ट गन का एंड बंदा नॉक एंड फिनिश, मतलब भाई पूरी टीम को स्क्वाड वाइप कर देता हूँ मैं इजिली। तो हो गए देखो, इस क्लिप से मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा था कि किस तरीके से तुम अपना आईक्यू यूज करके इजिली क्लच परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि तुमने देखा भाई बंदे दो आगे आ चुके थे तब तक मैंने फायर नहीं दिया एंड तीसरा बंदा जैसे ही निकला ना उसको इजिली मार दिया, उसको कवर देने वाला कोई नहीं था। तो कुछ इस तरीके से गाइस आपको अपना आईक्यू यूज करना है एंड इवन 1v4 के टाइम पे नहीं, आप भाई 1v1 फाइट में या फिर लास्ट जोन में अपना आईक्यू यूज करोगे ना तो काफी ज्यादा इजिली भाई किल्स निकाल पाओगे। सो गाइस पॉइंट नंबर 4 में हम बात करेंगे स्मोक को किस तरीके से आपको यूज करना है कॉम्पिटेटिव में। अभी गाइस काफी ज्यादा बंदे ना गलती क्या करते हैं भाई, स्मोक का यूज करते ही नहीं है एंड ऐसे में भाई तुम किसी बंदे को स्पॉट हुए ना तो भाई नॉक फिनिश हो सीधा। तो अगर तुम आगे से कहीं पे भी रुक रहे हो ना कॉम्पिटेटिव खेलते टाइम तो वहां पे आपको सबसे पहले 1% भी शक हो रहा है कि कहीं से पड़ने वाली है आपको तो वहां पे आपको स्मोक का यूज करना है। जैसा कि तुम इस क्लिप में देख सकते हो यहां से सिर्फ मुझे गाड़ी निकाल के निकलना था बट इसके लिए भी मैं स्मोक का यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे पता था मेरे ओपोनेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं एंड उनको एक बार भी मैं दिखाना तो सीधा नॉक करके मुझे फिनिश डाल देंगे। तो आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है कॉम्पिटेटिव में, कहीं पे भी जा रहे हो ना गाइस स्मोक का यूज़ भर भर के किया करो। लाइक तुम्हें कोई सी पोजीशन लेना है ना तो वहाँ पे आप पहले से स्मोक कर सकते हो एंड जब तुम उस पोजीशन पे पहुँचोगे ना तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा बंदे मारेंगे बट स्मोक का आपको कवर मिलेगा। तो गाइस इस तरीके से भी आप स्मोक का यूज़ कर सकते हो एंड स्मोक को भाई करना ही है, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं स्मोक करना कॉम्पिटेटिव में, उनके स्मोक रखे ही रह जाते हैं। गाइस ऐसा नहीं करना है, आप पे भाई जरा सा भी शॉर्ट्स आ रहे हैं तो फटाक से आपको स्मोक कर देना है वहाँ पे। सो हो गए देखो, ट्रिक नंबर 5 ना आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। अगर गाइस कोई इस तरीके से आपको शॉटगन से मार जाता है ना जैसे मैंने मारा है DBS से, तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ उसको जरूर से देखना है, उसमें और भी काफी ज्यादा कमाल की टिप्स एंड ट्रिक बताई है मैंने कॉम्पिटेटिव प्लेयर के लिए, तो जाके उस वीडियो को देखो। एंड सेकंड क्या करना है, इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करना है, लाइक कर देना है वीडियो को और सब्सक्राइब करोगे ना तो और भी ऐसी कमाल की हेल्पफुल वीडियोस आपको मिलती रहेगी। एंड कमेंट में जरूर से बताना टिप नंबर 5 कैसी लगी। बाकी यार गाइस देखो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय, लव यू गाइस।